नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। अब विधायक संदीप सौरभ खुद एसटीईटी अभ्यर्थियों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। बता दें कि आज एसटीईटी अभ्यर्थी राजधानी पटना के गांधी मैदान में उतरे और गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और यहाँ से शांति मार्च निकाला है सचिवालय तक के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच यहाँ पे विधायक संदीप सौरभ खुद पहुँचे और इसी बीच मीडिया से बातचीत भी की, बताया कि अब हम इस मामले को सदन में उठाएंगे। साथ ही साथ क्या कुछ बोल रहे विधायक संदीप सौरभ, आइए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। अभ्यर्थी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से इनके आंदोलन के समर्थन में और इनकी मांग बहुत जायज है। सरकार ने 2019 में जो बहाली निकाली उस समय सरकार ने कहा था कि जितना लोग का रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट उन सबको हम ज्वाइनिंग देंगे। ठीक, 12 मार्च को जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बाद सरकार ने घोषणा की मीडिया के मार्फत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये हर जगह चला कि सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी पक्की, समझिए। अब जब सबकी नौकरी पक्की देने की बारी आई तो सरकार अपनी गलतियों को ढकने के लिए हजारों छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या सदन में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? निश्चित तौर से सदन में हमने ये सवाल दिया हुआ है। इस बार का सदन बहुत छोटा है, 4 दिन का सदन चलेगा, उसमें स्टेट की प्राथमिकता हमने दी है। शिक्षा से 2 सवाल अगर देना था तो हमने 1 सवाल स्टेट के छात्रों के लिए दिया है और उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि अब सरकार जो अपनी गलती को सुधारने की बात कह रही है कि पहले बार जो रिजल्ट लाए थे उसमें और इजाफा हो गया, हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि आपकी गलती, आपके विभाग की गलती, शिक्षा सचिव की गलती का खामियाजा छात्र नहीं भुगत सकते हैं। आपके पास जो पहले से और सीट अवेलेबल है उन तमाम सीटों को जोड़िए और जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं आप सबको नौकरी दीजिए। नियोजन की हम मांग नहीं कर रहे हैं, नियोजन से हम सहमत नहीं है। जो नियोजन चल रहा है उसमें कितनी तरह की धांधली हो रही है, आप सबको सीधे ज्वाइनिंग दीजिए, नियुक्ति दीजिए। ये मांग के साथ हम लोग हैं और इस मांग के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, उन तमाम छात्रों का हम समर्थन। मेरिट और नॉन मेरिट के बारे में सर, कि हटना चाहिए कॉलम? देखिए, मेरिट और नॉन मेरिट की बात कहां से आ गई? अगर सरकार ने ये कहा, सरकार ने 12 तारीख को रिजल्ट ला करके ये खुद से कहा ये बात कि सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए सबकी नौकरी पक्की है, तो वहां से मेरिट की बात होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इतना ज्यादा ब्लंडर किया, आप समझिए कि बिहार में 3 लाख शिक्षक के पद खाली हैं और 37,000 बहाली करने के लिए अगर कोई सरकार इतने लेवल पे गड़बड़ी कर सकती है तो समझिए कि उस सरकार को शिक्षा विभाग चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम ये मानते हैं कि इतने सारे छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा भी देना चाहिए। वही बात है, अभी मेरिट नॉन मेरिट का लड़ाई नहीं है। जो छात्र मेरिटधारी हैं, जो छात्र मेरिट वाले हैं, उनकी मांग है कि आपने तो कहा था मेरिट के लिए कि हम लोग का नाम आ गया, अब हमको नौकरी दीजिए। जो क्वालिफाई, दोनों का तर्क सही है सर। 26 तारीख को बीच में जो गलती है वो सिर्फ सरकार की है, शिक्षा विभाग की गलती है। तो आपने सुना किस तरीके से जो विधायक संदीप सौरभ हैं अभी एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ हैं और साफ तौर पर सदन में इस मामले को लेकर के वो सरकार से सीधा सवाल करेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। तो अब बस तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।